नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में। दुबई में एक फाइल लीक हुआ जिसने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, और इसमें पता चलता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के पास 11 अरब रुपए, डैट मीन्स 11 बिलियन रुपीज हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान से बस चुरा करके अरब में इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने लिए प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये इस टाइम पे इनका एक्सपोजर हुआ है जब जाकर के हमें पता चलता है पाकिस्तान में भुखमरी की सिचुएशन है, और वो भी इस हिसाब से कि वहां के लोगों के पास कुछ इलाकों में खाने के लिए पैसे तक नहीं है, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन जहां पे पाकिस्तान के लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वहीं पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, व्हाट इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान में। जब हम देखते हैं पाकिस्तान के जो बिलियनेयर्स हैं, दैट मींस वो पॉलिटिशियन जिन्होंने बस प्रॉपर्टीज खरीदी है 11 बिलियन की, जिसके लिए वो डिमांड कर रहे थे ऑलरेडी कि हमें IMF से लोन दे दो 1.1 बिलियन का, और यहां पे वर्ल्ड को देखने के लिए मिलता है कि बस 11 बिलियन का तो इनका प्रॉपर्टी है। और अगर आप टैक्स डाटा के हिसाब से भी जाओ, तो मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है, इवन शहबाज शरीफ की फैमिली को, जो कि काफी रिचेस्ट फैमिली से आते हैं पाकिस्तान में, उनके पास भी इतना रुपया नहीं है कि वो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद सके, लेकिन उनके पास वो प्रॉपर्टीज हैं। अब ये पैसे आए कहां से, स्पेशली यहां पे तीन ग्रुप्स के पास पाकिस्तान में वो पैसे हैं। पहला तो वो है ISI, जो कि वहां की इंटेलिजेंस विंग है, और दूसरा वहां पर आपको दिखता है पाकिस्तान की मिलिट्री, एंड देन वहां पर है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। अब ये तीनों की तीनों मिल करके कमाते कैसे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, आप सबको पता होना चाहिए, अपनी ज्योग्राफी से आज तक कमाता आ रहा है, और इसका कारण है कि उसकी इंडिया के कारण पास नजदीकी और एक ऐसे पॉइंट पे होना जहां पे वो अरब वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। और पहले उसे कौन पैसा देता था, आप सभी जानते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जब ये बाप हट गया ना, तब इनका दूसरा बाप बनता है, वो है चाइना। और चाइना इनकी मदद किस लिए कर रहा है, आप सभी जानते हो, ताकि वो इंडिया को कॉन्टेन कर सके, और उनका सपना पूरा नहीं हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई भी अपनी कंट्री का ही भला नहीं चाहते हैं, तो वो आखिरकार दूसरे कंट्री का कैसे कुछ करेंगे। तो इसीलिए यहां पे इस बात को समझना होगा आपको कि इन सारी चीजों के साथ जब ये पॉलिटिशियंस के पास पैसा आता है, जैसे आता कहां से, सबसे पहले आप वो जान लीजिए, सऊदी अरबिया हो गया, IMF हो गया, और तीसरी जो है ना, यहां पे वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ दे देती है, यूरोपियन कंट्री दे देती है, और इनके पास से पैसा आने के बाद ये लोग इन्वेस्ट करते हैं मेजर थ्री चीजों में। अब यहां पे समझिएगा, पहला तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के पॉकेट में, दूसरा जाता है इनका टेररिज्म फंडिंग में, और तीसरा जहां पे पैसा जाता है ना, वो है जगह इनका एक्चुअली डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, ताकि ये इंडिया को काउंटर कर सके। अब देखिए, ये जो दोनों चीजें हैं ना, टेररिज्म एंड डिफेंस, इन दोनों का डायरेक्टली काम होता है हमारे लविंग कंट्री के अगेंस्ट, इसीलिए इस न्यूज को हमें ढंग से समझना चाहिए। और तीसरा होता है पॉलिटिशियंस का पैसा, जो कि ये तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज में, ताकि किसी को पता न चल सके। और वहां पे होते हैं इनके फैमिली वाले, इनके बेटे, दादा, दाऊ, कुछ भी ले सकते हो आप, वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। अब ये काम एक दो सालों से तो चल नहीं रहा है, ये 70 सालों से चल रहा है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है। और पाकिस्तान के ये जो आपको इलाइट क्लब के मेंबर दिख रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन लीडर्स, वो उन सबके पास 17,000 लोग जो है पाकिस्तान में, उनके मेजर प्रॉपर्टीज पाए गए हैं दुबई में बस 23,000 के आसपास। और यहां पर हमें यह दिखता है कि जो भी पाकिस्तान में अमीर होना चाहता है, वो कंपनी ना खोले, एक एंटरप्रेन्योर ना बने, बस एक पॉलिटिशियन बन जाए या मिलिट्री ज्वाइन कर ले, तो उनके पास पैसे ढेर सारे होंगे, और वही यहां पे दिख रहा है। लेकिन ये पैसे जो है ना, ये है आम जनता की, जो उनकी उनकी भलाई में लगना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां के लोगों के ग्रोथ में, लेकिन वो सारा पैसा हटा करके ये लोग अपने डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। अब यहां पे जब इन सारी बातों का पाकिस्तान में खुलासा होना शुरू हुआ, तो ऑफकोर्स ही बात है पाकिस्तान की जनता पूछेगी कि भैया पैसे हुए क्या। तो इन्होंने बोला, मैंने लास्ट मंथ हटा लिया था, टैक्स डिटेल में डाला गया है, लेकिन टैक्स डिटेल में कहीं भी जिक्र नहीं है। और इन सारी चीजों को जब देखते हुए पाकिस्तान के लीडर्स ने देखा, अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट इलीगल है, रिपोर्ट सही नहीं है, हम इसे नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपरली डाटा देखोगे, तो सच में पाकिस्तान के पास जो पैसे आ रहे हैं, उनका डिफेंस और टेररिज्म को छोड़ करके भी उन्होंने कहां इस्तेमाल किया है, उनके पास वो डाटा नहीं होगा। और यही कारण है कि IMF ने डायरेक्टली बोल दिया कि हम जो तुम्हें लोन देंगे, तुम डिफेंस के लिए यूज नहीं करोगे, और दबे शब्दों में यह भी कि तुम टेररिस्ट को भी फंडिंग नहीं करोगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने इस बार जब बेल पैकेज मांगा, तो IMF ने भी मना कर दिया, और 3.3 बिलियन का जो उनका लोन मिलना था, उसमें से मात्र हाफ मिला, और हाफ देने के लिए अब जो है ना,
IMF भी नहीं मान रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हम आकर के रिव्यू करेंगे तुम्हारे एनर्जी सेक्टर को, उसके बाद ही देंगे। तो यहाँ पे अब सब वर्ल्ड को पता चल चुका है कि पाकिस्तान आखिरकार इन पैसों का करता क्या है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 1.1 बिलियन का जो लोन बेल आउट था वो रुका हुआ है पाकिस्तान का, जो कि उनका प्राइमरी डील है। अब आप 1.1 बिलियन देख रहे हो, जरा सोच के देखो कि 11 बिलियन बस दुबई में इनका, दूसरी कंट्रीज में कितना होगा। और इवन ये भी देखा गया है कि यूरोपियन कंट्रीज में इनके बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं, जिसके वजह से इनका एक नेटवर्थ मेरे ख्याल से मोर देन 20 बिलियन होगा। और दुबई का ही अगर आप फाइल देखो तो यहां पे आप सोचोगे कि पाकिस्तान का इतना पैसा है, बिल्कुल भी नहीं। आप याद रखिएगा दुबई में इंडिया टॉप पे है 29,000 प्रॉपर्टी से, और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके नाम आए हैं गौतम अंबानी के साथ। यहाँ पे कई सारे लीडर्स हैं जिनके पास है पैसे, जो कि बिजनेस लीडर्स हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर्स, तो आप ये याद रखिएगा। और इंडिया जहाँ पे लीड कर रहा है राइट वे में, वही पाकिस्तान निगेटिव वे में लीड कर रहा है, ताकि वो खुद को एक एग्रेसर कंट्री दिखा सके। आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान जब ऑल ओवर वर्ल्ड को ये बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तब वो करता क्या है इन पैसों का। पहला तो जैसे मैंने आपको डिफेंस को बताया, तो डिफेंस का भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अभी जिम्बाब्वे को उन्होंने अपने पुराने कुछ JF प्लेन्स बेच दिए, और जिसमें से वो जब 12 प्लेन्स को बेचा तो उनके पैसे कहाँ गए, कुछ ही दिनों पहले ये डील हुई है। तो पाकिस्तान के लोगों के पास ये पॉलिटिशियंस ने कोई डिटेल नहीं दिया। अब बातें बस यहीं तक नहीं रुकती है, जब हम नाम देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये एक्चुअली मुस्लिम्स लोगों के लिए ना प्रॉफिट कंट्री बोली जाती है, बिकॉज जब भी वो प्रॉब्लम में होते तो इनके पास पहुँचते हैं सऊदी अरबिया रियाद जाकर के। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचे तो एक्चुअली इन्होंने भी चौथी बार पाकिस्तान आने से मना कर दिया, और डायरेक्टली बोल दिया है कि मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब क्लियरली है कि ये पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे, और इसका कारण साफ है कि इन्हें प्रॉपर्ली पता है। और अब जब फाइल लीक हुआ है ना, तब तो इन्हें क्लियरली पता चल गया होगा कि मैं जो पाकिस्तान की मदद करता हूं उन पैसों से पाकिस्तान करता क्या है। और उसका जब रियल प्रूफ मिल जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड को, तो वो किस तरह से शॉक हुए होंगे उनका मुंह उसी टाइम दिखने लायक होगा। फिलहाल हमारे पास वो वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हो इस आर्टिकल को, सऊदी क्राउन प्रिंस नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान, और ये बात कई बार उनके तरफ से कंफर्म कर दी जा चुकी है। वो फिर से प्रोस्पोन करेंगे मीटिंग को अल्टीमेट टाइम के लिए, बिकॉज इस न्यूज़ के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है। और इसीलिए जब हम इन सारे न्यूज़ को देखेंगे ना, तो इंडिया का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि पाकिस्तान लाइक माइंडेड कंट्री, जो कि हमारा नाइबर है और हम अपने नाइबर को बदल नहीं सकते, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, और ये बात सच है। लेकिन हमें POK को उनके से छुड़ाना होगा, ताकि हम कम से कम POK की जनता को बचा सके। जहां पे आपने देखा हैप्पी वे में प्रोटेस्ट चल रहा है, और पाकिस्तान उनके खाने या कुछ भी करने के लिए कोई मदद नहीं भेज रहा है। अल्टीमेटली वहां पे भेज रहे हैं वो गोला बारूद के साथ अपने डिफेंस के लोगों को, अपने सैनिकों को, ताकि और लोगों को मार सके। और यही कारण है कि हमें भी यह पता चलता है कि आखिरकार पाकिस्तान टेररिज्म को ज्यादा क्यों डालता है इंडिया की तरफ। बिकॉज आप सभी जानते हो, जब भी पाकिस्तान टेररिज्म के मामले को बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के लोग ये भूल जाएंगे कि उनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इंडिया हमारे ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि उनका प्रॉब्लम कुछ और ही है। और वहाँ के लोगों को भी अब ये राइट टाइप से समझना चाहिए। और ये वो आर्टिकल है जिसके आपको बात कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान डज नॉट डिलीवर रून फूड टू डिफेंस बिल, और ये IMF ने बोला है कि देखना पैसे जो दूँ ना तुम कहीं डिफेंस में इस्तेमाल मत कर देना, अगर तुम करोगे तो तुम्हारे ऊपर बेल आउट पैकेज अगले बार से हम नहीं देंगे। और ये बात IMF ने क्लियरली बता दी है, जिससे पाकिस्तान के माइंड में एक बात तो अट गई होगी कि अब ज़्यादा पैसा वो नहीं खा सकता है, और कितनी आसानी से वो ग्रैब हो जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। जिसके वजह से एक क्लियरिटी हमें भी मिल जाती है कि पाकिस्तान की मदद कभी भी राइट वे में नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनकी मदद करना है तो डायरेक्टली वहाँ के लोगों को जाकर के मदद कीजिए। और स्पेशली जब इन टेररिस्ट को देखते हैं हम, तो हमें यह भी क्लैरिटी मिला कि आखिरकार पाकिस्तान इन्हें फंड करके इंडिया के अगेंस्ट